Assalamualaikum, अगर आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में एस के लिए अप्लाई किया तो ये नहायत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है डी एस अगर आप मजीद अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप तैयार करें विच की इज यूज टू सेलेक्ट डॉक्यूमेंट तो पूरे दस्तावेज को मुंतखब करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है तो कंट्रोल प्लस ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टकट की इज यूज टू अपडेट सेलेक्टेड फील्ड तो मुंत फील्ड को अपडेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है तो एफ नाइन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी इन एम एस वर्ल्ड इज यूज फॉर डैश तो एमएस वर्ल्ड में कंट्रोल प्लस सी कॉपी कमांड के लिए इस्तेमाल होती है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर प्रोड्यूस डैश तो कंट्रोल प्लस इंटर को दबाने से क्या होगा तो पेज ब्रेक इसका करेक्ट ऑप्शन होगा

control plus left arrow is used to तो control plus left arrow किसके लिए इस्तेमाल होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट व्हिच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश ऑल वेब पेजेस तो ऑल वेब पेजेस को रिफ्रेश करने के लिए f5 की इस्तेमाल होती है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर चेंज द फॉन्ट इन ms word तो ms word में फॉन्ट को चेंज करने के लिए control plus shift plus f का इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट ए हाइपर लिंक विथ शॉर्टकट की इज यूज तो हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करेंगे यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा बाय प्रेसिंग द डैश तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एफ टू की हाउ डू यू अप्लाई बोल्ड फॉर मीटिंग टू टेक्स इन वर्ल्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोल्ड फॉर मीटिंग के लिए प्रेस कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल करेंगे वट इज दॉर्टकट की फॉर सर्चिंग ए फाइल इन एम एस वर्ल्ड टू थाउजेंड सिक्सटीन तो सर्चिंग फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल किया जाता है वी शॉर्टकट की ऑफ हेल्प इन एम एस वर्ल्ड तो एम एस वर्ल्ड में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है एफ वन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विदकट की इज यूज टू रिस्टार्ट दंप्यूटर तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना पड़ता है कंट्री हैज दी लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट तो सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट किस मुल्क में है तो जापान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शिंगाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन दो तो शिंगा तावन तंजीम की बुनियाद कब रखी गई तो टू थाउजेंड वन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ ओ आई सी तो ओ आई सी के कितने ममालिक मेबर हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिफ्टी सेवन मेंबर है ओ आई सी के तो कहाक्ट ऑप्शन तो में, तो में मुसलमानों की आबादी कितनी है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.8 पॉइंट एट बिलियन पॉपुलेशन है मुसलमानों की स्मोलेस्ट सी ऑफ दर्ल्ड इज तो सबसे छोटा समंदर कौन सा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेल्टिक सी वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू थाउजेंड सेवनटीन में कायम हुई हुउंडर ऑफ दीने इलाई तो दीने इलाई का बानी कौन है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अकबर अकबर जो है वो दीने इलाही का बानी है बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम केम इन डैश तो बुनियादी जमुरियत का निजाम डैश में आया तो मई नाइनटीन फिफ्टी नाइन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा

वॉज द निक नेम द्लाइंग हॉर्स तो उड़ते घोड़े का लकब किस को दिया गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समीर उल्लाह खान को घोड़े का लकब दिया गया है country which opened its first embassy in Pakistan, पाकिस्तान में पहला सफारतखाना किस मुल्क ने खोला तो ईरान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हु वॉज द थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो पाकिस्तान का तीसरा सदर कौन था तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनरल याया खान पाकिस्तान का तीसरा सदर था